में ना ऐसा आसन पर क्लास होने जा बैठा हो रहा होंडा बैंक बिल्कुल इस जगह पे हुआ था। स्वागत है हमारे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम है और आज हमारा कॉलेज का पहला दिन है। 2 महीने बाद हम वापस कॉलेज जा रहे हैं और आज हम एक अलग एनर्जी, एक अलग इंटेंसिटी के साथ जा रहे हैं। इन काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक से जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी निकलते हैं कॉलेज के लिए एंड आपसे मिलाते हैं सब लोगों को जो भी वहाँ होगा एंड वहाँ क्या क्या होगा सब चीज़ें दिखाते हैं आपको। तो जी अभी मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं। कैसे हैं आप ब्रो? जान भैया हमें मिल चुके हैं। अबेद भैया ये क्या हालत बनाई है ब्रो? अभी हमारी क्लास है शायद से। तो जी तो अभी क्लासेस नहीं है अभी। स्वागत है हमारे मोहसिन साहब। तो जी अभी हमारी पहली क्लास होने जा रही है, काफ़ी सारे लोग। हेलो जी, तो अभी 1 बज रहे हैं और क्लासेस अभी तक कोई भी नहीं हुई है। अगर क्लासेस उन्होंने बोला कि हैं तो लेंगे, अगर नहीं हुई तो हम घर जाएंगे क्योंकि हमें बहुत काम है। अभी बस ऐसे ही बैठे हैं, तो नहीं पता अंदर कुछ अलग ही सीन चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है, किस है। एडिट अभी ऐसे इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है तो एडिट करके फिर आपसे बात करेंगे। Got a message that हमें projects मिल चुके हैं and I'm into print again। तो अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं। फ़ोन भी मैं चार्ज रखूँगा, थोड़ी सी एडिट कर लूँगा, पता नहीं। हेलो जी, तो अभी 3 बजने वाले हैं एंड मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, दैट इज़ वाई इधर आके मैं रुका हूँ। बात कुछ ऐसी है कि आई फील लाइक पढ़ाई से मन नहीं उठ रहा है, एकेडमिक्स मेरे से नहीं होने वाली और यही सब चल रहा है। अभी क्लासेस नहीं हुई लेकिन हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, दैट इज़ प्रिंट। सर ने थोड़ा बहुत समझाया, थोड़ा सिखाया, तो सीखने को काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। चीज़ साथ में है, ले जाऊँगा जहाँ तक ले जा सकता हूँ। आई नो कि फिल्म की वजह से आप तक कॉन्टेंट नहीं पहुँचा पा रहा, फिल्म की वजह से मैं बहुत चीज़ें नहीं कर पा रहा, बट इंशाल्लाह वो सब मैं ठीक कर दूंगा। आई नो अभी व्यूज़ नहीं आ रहे, आई नो कंटेंट ठीक से पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, बट द थिंग इज कि दैट आई नो दैट ये सब बदल जाएगा बिकॉज आई एम वर्किंग एवरी सिंगल डे ऑन माई सेल्फ। यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ पर बहुत ही ख़ास सी जगह एंड इधर कोई है भी नहीं, बस आपसे बात करने के लिए रुका था। तो यहाँ पे एडिटिंग वगैरह होती है, वहाँ पे क्लासेस होती हैं, बहुत कुछ होता है। सारे लोग निकल भी गए, मुझे बोला ही नहीं। अभी मुझे बाय द वे स्कूटी का जहाँ पे पार्ट्स लगवाने हैं वहाँ जाना है एंड उनसे पूछना है कि क्या पार्ट्स लगाते हो नहीं लगाते हो। बारिश शुरू हो चुकी है एंड आई फील लाइक आई शुड गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊँगा, लेकिन मैं पेट्रोल ज़ाया नहीं कर सकता। आई जस्ट वॉन्ट टू बी दैट गाय उसका जो मन करे ना वो कर सके, आई मीन उसके लिए वो सब पॉसिबल हो सके। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या वो पार्ट्स लगा के देंगे या नहीं। तो जी इन्होंने अभी बताया कि आपका काम हो जाएगा, कहीं और पे भी चेक करता हूँ मैं। तो मैं अपने एक फ्रेंड को कॉल करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि और कहाँ पे ये काम होता है ताकि ये जो चीज़ है मेरे को आराम से ठीक से हो जाए। परसों स्कूटी को जो हुआ था वो बिल्कुल इस जगह पे हुआ था एंड इधर ही पे उसके पार्ट्स अभी साइड पे पड़े हुए हैं। आई मीन कि इधर ही पीछे हमारा स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था एंड यही वो जगह है, मनहूस जगह। आजकल ड्राइव करने से भी डर लगता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बारामूला, देखते हैं अभी वहाँ कौन होगा। वोरा होंडा का शोरूम ये वाला, इनसे पूछता हूँ कि माइस्ट्रो पता नहीं इनकी या नहीं है, मुझे इसकी ज़ीरो नॉलेज है। वो देखे दानिश भैया के भाई हमें मिले आज, चले इनसे मुलाकात कर लेते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। ये दानिश भैया के भाई हैं। हेलो एवरीवन,
तो जगह गया वहाँ बोला नहीं होता, दूसरी जगह गया नहीं होता, कहीं और देखता हूँ आगे अगर मिलता है, वरना डांट खानी पड़ेगी। बारिश अब थोड़ा और तेज़ होने लगी है एंड मैंने कपड़े काफ़ी कम लगाए। तो जी अभी हम खानपुरा यहाँ पहुँचे एंड अभी यहाँ पता करते हैं कि क्या यहाँ हो पाएगा मेरा काम या नहीं। बारिश बहुत तेज़ शुरू होना शुरू हो गई है, मतलब हाँ मतलब वही जो भी है। तो इन्होंने बोला कि आप कभी भी लाओ, नंबर्स भी लिए एंड अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ घर के लिए। घर जाके कुछ खाना है, अभी बहुत लेट हो चुका है, 3:30 बज चुके हैं। फुल ऑन मूड में कॉलेजेस बंद हुए थे तब अप्लाई करा था, मैंने ब्लॉक करवाया था क्योंकि वो कुछ बता रहे थे कि नहीं आई है एंड ऑल दैट स्टफ। तो अभी के लिए मुझे नहीं पता, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने वापस से बुक कराया एंड अभी देखते हैं अभी वो आया है नहीं आया है। तब से बहुत टाइम हो चुका है, अगर आज भी नहीं आया तो आज मैं इनको बहुत आज गुस्से में जा रहा हूँ। मेरे गुस्से का क्या असर होगा, मुझे तो गुस्से में हंसी आती है। जॉन एलिया के जैसे मेरी घसले तबाह को। अभी जाते हैं अंदर। तो हेल मैंने चाबी लगाई, यहाँ से मुझे कुछ चढ़ ही नहीं रहा, घड़ी कैसे स्टार्ट होगी। पावर ऑफ करके था तो बैटरी का डाउन होने का सिस्टम ही नहीं बनता यार। अभी मैं पहले बैटरी मत कोई छुरा के ले गया, शायद ये लूज थी जी। वहाँ पे सामने बैटरी का कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया था तो दैट इज़ व्हाई। ओह माय गॉड मैं तो डर ही गया, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, बैंक में बहुत टाइम लग गया। जे एंड के बैंक भैया मैं अब क्या बताऊँ, मतलब कितना ही इनके बारे में बुरा बोलूँ मैं तो आपको। अभी और ज़्यादा बोर नहीं करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैं मिलूँगा इंशाल्लाह कल। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी कोई कमेंट करेगा उसका नाम मैं वीडियो की शुरुआत में लूँगा और उसका कमेंट भी पढ़ेंगे, हर दिन ऐसा होगा। तो कमेंट करा कि टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।